सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये बेंगलुरु माइनॉरिटी की कॉन्फ्रेंस थी JDS की, जिसमें हमारे मुफ्ती वलमा सब इसमें आ रहे हैं। इसमें हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे JDS के जितने भी हमारे हम लीडर थे इसमें जुड़े हुए हैं हमारे, और JDS आने वाले दिनों में JDS पार्टी क्या कर रही है जो माइनॉरिटीज़ के लिए, इसके बारे में कुछ स्पीच थे, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे बैक इसमें, आप ये वीडियोस देखेंगे, क्लिप देखेंगे, इब्राहिम साहब क्या बोल रहे हैं, कुमाराना साहब क्या बोल रहे हैं, क्या और हमारे इसमें इसमें मेहनत, काफ़ी मेहनत हमारे SK सुहेल साहब की है, इसमें बहुत सी मेहनत है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें भी उनको MLA देखना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले सुहेल साहब के बारे में बताना चाहूँगा, खालक साहब के बेटे हैं फरजन, वो तो एक कॉरपोरेटर थे, क्या काम करके हैं आपको सभी को पता है, शिवाजीनगर में उनके फरजन हैं यार, तो शिवाजी नगर में, तो अगर हो सके तो हमारी दिल्ली तमन्ना है, मेरी तमन्ना है कि हम लोग शिवाजी नगर से खाना ना करें। आज भी सोशल वर्क में नंबर वन है सुहेल भाई, तो हम लोग हमारे भाई आंधेर के चाहेंगे, तो लोकल अगर बेहतर है, इतने साल से थोड़ा बाहर वालों का ही चला, तो कोशिश है कि हम लोग हमारे भाई को शिवाजी नगर के भाई को लेके आना। माशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में JDS कर्नाटक में क्या कर रही है, और खसूसियात मुसलमानों के वास्ते मैं बोल रहा हूँ, सभी मुसलमानों से मेरी अपील है, तो JDS से जुड़ी है, JDS से काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, ये हमारे कुमार राणा के साथ CM इब्राहिम साहब मुसलमान बंधु दौड़ सभ्यना प्रमुख सभ्यू भाग हलवु विभाग नम मजी कॉर्पोरेटर कल प्रमुख संपूर्ण बहुमत गुरी अदरल दुड मटद पात्र मुसलमान समाज विश्वास है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जलसा जो है बहुत अच्छी तरह कामयाब हुआ है, कुमार स्वामी जी और आली जनाब अलहाज CM इब्राहिम साहब तशरीफ लाए इस जलसे के अंदर, और सारे अकलियतों की टीम यहाँ पे मौजूद थी, उलमाओं की टीम भी मौजूद थी, बहुत सारे हाफिज, बहुत सारे लोग शिवाजी नगर के हमारे हलके थे, बहुत सारे लोग जमा हुए थे, और कुमार स्वामी जी ने वादा किया है कि अकलियतों के हक में हर चीज़ जो है फ़ायदेमंद, मतलब फ़ायदे की चीज़ पहुँचाएँगे हर चीज़। जब 2023 में भी जो आने वाले इंतखाबात थे उसमें जो है चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर तो यही बनेंगे कुमार स्वामी जी, तो हमने जो अकलियतों को जो वादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। पहले जो है सिर्फ ये उलमा और माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी है, तो पहले कर लेने के बाद जो फिर दोबारा फिर हम करने वाले हैं, तो तब जो है जितने भी अकलियत के जो हमारे लीडर हैं, जो भी MLA कैंडिडेट होंगे, तो उनको वापस दोबारा एक मीटिंग करी जाएगी, तब जो है सारे लीडर्स को बुलाएंगे। अभी जो मीटिंग हुई माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें जो आलिमा उलमा जितने भी जो मोहतबर अदना है शहर के, तो उन्होंने शामिल, मतलब इसमें जो है शामिल किए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह सभी कैंडिडेटों को साथ में लेके बेंगलुरु शहर के उनको एक और एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह।